हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके पहले एक छोटी सी पहेली है, आप लोग सॉल्व करेंगे उसको। ये चैप्टर का नाम उस पहेली में है, तो ध्यान से सुनिए इसको। एक जानवर है दीवाना सा, एक जानवर है दीवाना सा, हर खाने पे वो मरता है। एक जानवर है दीवाना सा, हर खाने पे वो मरता है। यहां वहां जहां तहां हर जगह वो रहता है। चोरी चोरी चुपके चुपके रातों में निकलता है। थोड़ी सी आहट आने पर भी वह भाग निकलता है। तो मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ह्यूमन नहीं बच्चे लोग, कॉकरोच, 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 कॉकरोच। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच, तो ये कॉकरोच जो होता है, मैंने बोला ना, एक जानवर है दीवाना सा, हर खाने पे वो मरता है। हर खाने पे वो मरता है मतलब क्या है, ये है ओमनिवोरस, ये है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मतलब चाहे वो वेजिटेबल्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो सब खाता है। यहां वहां जहां तहां हर जगह वो मिलता है मतलब क्या, ये है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर, हर क्लाइमेट में मिल जाएगा आपको ये। देन चोरी चोरी चुपके चुपके रातों में निकलता है। तो ये जो कॉकरोच होता है अधिकतर ये रात को ही निकलता है, यानी नॉक्टर्नल है। कैसा है, नॉक्टर्नल है। नेक्स्ट, थोड़ी सी आहट आने पर भी वो भाग निकलता है। तो बहुत ही फास्ट रनर है, बहुत ही तेज भागता है। 120 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी। तो ये जो है, ये है कर्सोरियल। कर्सोरियल का मतलब होता है फास्ट रनर। नॉक्टर्नल मतलब कम्स आउट एट नाइट। ओमनिवोरस मींस eats vegetables and flesh, animal flesh. So animals and vegetables दोनों खाता है, ठीक है। यानी हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है, दोनों चीजें हैं। तो कॉकरोच होता है ओमनिवोरस, ओमनीप्रेजेंट, नॉक्टर्नल एंड कर्सोरियल। यानी ये दोनों चीजें खाता है, हर जगह प्रेजेंट होता है, नाइट में निकलता है, और कर्सोरियल मतलब बहुत ही फास्ट होता है, पकड़ नहीं पाते। लड़कियां बहुत डरती हैं कॉकरोच से, बहुत सारे लड़के भी डरते हैं कॉकरोच से। तो आज हम लोग कॉकरोच को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कॉकरोच कितना डरावना है या कितना खूबसूरत है, ठीक है। बट कॉकरोच बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके, तो कॉकरोच के कितने स्पेसीज हमको मिलते हैं, यानी इंडिया में कॉकरोच के कितने स्पेसीज कॉमन है। इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे कॉमन स्पेसीज, इंडिया में कॉमन स्पेसीज है, एक तो है
पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, देन ब्लाटा ओरिएंटालिस एंड ब्लाटा जर्मेनिका, यानी जर्मनी का है ये, रसिया में मिलता है और ये अमेरिका का ओरिजिन है, मतलब ये इसकी ओरिजिन जो है रसिया है, साउथ अफ्रीका एंड रसिया, इसका जर्मनी और इसका है अमेरिका। तो वो ये कॉमन स्पेसीज है, कॉमन स्पेसीज है। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में, ठीक है। तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का अगर हम लोग कॉकरोच को देखेंगे तो इसका सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन कैसा है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन लेते हैं, ओके, ठीक है। तो सिस्टमिक प्रेजेंटेशन क्या है, सिस्टमिक प्रेजेंटेशन क्या है इसका, सिस्टमिक पोजीशन इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि ये कौन से किंगडम को बिलोंग करता है, इसका किंगडम क्या है, ठीक है। देन इसका फाइलम क्या है, देन जैसे ये सारी चीजें किंगडम फाइलम, ये फाइलम हम लोग एनिमेलिया जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। देन क्लास क्या है, जीनस क्या है इसका, एंड स्पेसीज क्या है, ओके। सो किंगडम, किंगडम क्या है, ये एनिमल है तो एनिमेलिया, एनिमल है किंगडम तो एनिमेलिया है ये, मतलब कॉकरोच एनिमल से बिलोंग करता है। फाइलम क्या है, अगर कॉकरोच में देखेंगे तो इसके जो लेग्स होते हैं उसमें जॉइंट्स होता है, जैसे आपके हाथ पांव में, मेरे हाथ पांव में लेग्स जो है या हैंड है उसमें जॉइंट्स है, तो इसके पास भी क्या होता है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, इसके पास भी क्या है, जॉइंटेड लेग्स है, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस है, जॉइंटेड अपेंडेजेस इसके पास है, इसलिए ये ऑर्थोपोडा ग्रुप में आता है। और भी ऑर्थोपोडा के फीचर्स उसके अंदर हैं, जैसे चिटिन, यानी उसकी बॉडी का जो कवरिंग है वो चिटिन से बना है, ठीक है, ऐसे ऑर्थोपोडा के हैं। देन क्लास, इसका जो क्लास है ये इंसेक्ट क्लास, इसका इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है, यानी इसके पास विंग्स होते हैं, इसके पास टू पेयर ऑफ विंग्स है, इसके पास देन लेग्स प्रेजेंट है, यानी क्या प्रेजेंट है, विंग्स एंड लेग्स प्रेजेंट है, विंग्स एंड लेग्स प्रेजेंट है, कितने विंग्स कितने लेग्स, हम लोग जब भी कॉकरोच को ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे उसको तो आपको पता चलेगा। देन जीनस क्या है, जीनस आपने पढ़ा पेरिप्लेनेटा है, जीनस है पेरिप्लेनेटा, पेरिप्लेनेटा, देन पेरिप्लेनेटा इन ए सेंस व्हाट, कि ये जो आपने फीचर्स पढ़ा कि इसकी जो विंग्स है स्ट्रेट, ये नॉक्टर्नल है, क्यों इसको बोलते हैं, ये है नॉक्टर्नल एंड स्ट्रेट, इसकी विंग्स होती है स्ट्रेट होती है, ठीक है। स्पेसीज क्या है, अमेरिकाना है, अमेरिकाना मतलब ओरिजिन क्या है इसकी, अमेरिका, ठीक है। और तो ये इसका सिस्टमिक पोजीशन है, मतलब किंगडम एनिमल है, ऑर्थ्रोपोडा, मतलब चलो ऑर्थ्रो का याद रखना मीनिंग, ऑर्थ्रो जो मीनिंग होता है, ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, और अपेंडेजेस का मतलब क्या, जैसे आपके हाथ पांव है ना, है ना, अपेंडेजेस है जिससे लोकोमोशन होता है, चलना फिरना होता है, ठीक है।
तो ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडिज, तो ज्वाइंटेड अपेंडिज इसके पास है। क्लास क्या है ये? इंसेक्ट है, यानी इसके पास विंग्स भी है, लेग्स भी है, इसलिए इंसेक्ट है, ठीक है। जीनस जो है पेरिप्लैनेटा है, मतलब क्या कि ये नॉक्टर्नल है, यानी रात को निकलता है। स्ट्रेट विंग्स है इसके पास, इसकी जो विंग्स है पंख इसके हैं स्ट्रेट हैं। और स्पीसीज जो है अमेरिकाना है, यानी ओरिजिन इसकी क्या है? अमेरिका है, ठीक है। आई होप ये समझा आप लोग को, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ठीक है। सो नाउ अब इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं इसकी। तो आपने टेंथ में रीड किया था किंगडम एनिमेलिया चैप्टर में, यानी इसके अंदर पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, देन इसकी बॉडी सिमेट्री कैसी होगी, देन इसकी बॉडी कैविटी कैसी है, देन बॉडी सेगमेंटेशन कैसा है, बराबर, देन जर्म लेयर कितने हैं इसके पास, जर्म लेयर कितने हैं, एंड देन बॉडी स्केलेटन, ठीक है। सो ये चीज हमने देखा था। तो आप पहले देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या कि ये टिश्यू से बना है, क्या सिर्फ इसके अंदर सेल ही है, कि सेल ने टिश्यू बनाया है, कि टिश्यू ने ऑर्गन बनाया है, कि ऑर्गन से सिस्टम बना है, कि सिस्टम से पूरी बॉडी बनी है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि सेल से क्या बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ सेल, देन टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू स्पेसिफिक टिश्यू एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ऑर्गन से सिस्टम फॉर्म होता है, सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप देखेंगे कि कॉकरोच जो होता है इसके अंदर सारी चीजें हैं, इसके अंदर सारे ऑर्गन्स मिलते हैं आपको, यानी एक्सपिरेटरी ऑर्गन भी रहेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी रहेगा, हार्ट भी मौजूद है, उसका सेरिब्रोस्पाइनल जो जो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मतलब ये नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है। तो सारे सिस्टम इसके अंदर मिलेंगे। तो इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सिस्टम का होगा, कौन सा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसका, कौन सा लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें आपको क्या मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी इसमें ऑर्गन सिस्टम्स दोनों मिलते हैं। तो बॉडी सिमेट्री, अब बॉडी सिमेट्री में आपको पता है कि तीन टाइप की सिमेट्री होती है, तीन टाइप की सिमेट्री, यानी क्या कि पहला सिमेट्री कि या तो जैसे अभी मैं हूं, मुझे आपने अगर एक वर्टिकल प्लेन से कट किया तो मेरे दोनों साइड के ऑर्गन सेम टू सेम रहेंगे, ये सिमेट्री हो गई। तो मैं दोनों साइड के सेम है, मतलब क्या है, ये बाइलेटरल सिमेट्री है, क्या है ये, बाइलेटरल, दोनों साइड सेम है। दूसरा किसी किसी जैसे कि कोई अमीबा है, सपोज अमीबा को आपने कट कर दिया तो आपको एक साइड अलग एक साइड अलग दिखेगा, स्पॉन्जेस है कट करोगे अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी सिमेट्री हो गई, ये
असिमेट्रिकल एनिमल्स हो गए। और नेक्स्ट आपका कि अगर सपोज ऐसे भी कुछ एनिमल है जैसे हाइड्रा है वो सिलेंडर जैसा है, ठीक है ना, हाइड्रा एक सिलेंडर जैसा है, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, यानी ये ऐसे है ना, इसको ऐसे कट करो, किसी भी प्ले इससे कट करो तो ये क्या होगा, एक ही जैसा दिखेगा दोनों साइड, किसी भी प्लेन से कट करो, राइट है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। तो कॉकरोच को अगर देखोगे, अगर कॉकरोच को देखोगे तो कॉकरोच को अगर कट करेंगे, ये कॉकरोच है समझ लो, ठीक है, ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच है, तो कॉकरोच को अगर आप लोग कट करोगे, कॉकरोच को अगर कट करोगे तो ये जब एक साइड और दोनों साइड को आप देखोगे वर्टिकल प्लेन से कट करोगे तो दोनों साइड क्या होगी, सेम होगी, दोनों साइड सेम होगी। तो कॉकरोच में कौन सा टाइप की सिमेट्री मिलती है, इसको मिलती है बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। कौन सा सिमेट्री? बायलैटरल सिमेट्री, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये होगा बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है उसका बॉडी कैविटी। तो कॉकरोच के अंदर क्या बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है, अब बॉडी में कैविटी, कैविटी मतलब स्पेस, बॉडी कैविटी मतलब क्या, स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कनाल एंड द बॉडी वॉल। एलिमेंट्री कनाल मतलब क्या है, माउथ से जा रहा है जो पाइप, जो फेरिंग्स है, फिर इसोफेगस है, उसके बाद स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो खाने की जो हमारी पाइप है, इस पाइप और हमारी बॉडी वॉल, हमारा बॉडी का जो वॉल है इसके बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी। तो जैसे कोई अगर ये सब कुछ बंदा है, अगर ये कोई बंदा है यहां से, ठीक है ना, ये फूड की पाइप गई, राइट है, तो इसके इसके ये बॉडी का वॉल है, तो ये वाले बीच के स्पेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी की कैविटी, बॉडी कैविटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बॉडी कैविटी है, ये जो बॉडी कैविटी है, तो क्या कॉकरोच के अंदर ऐसा कैविटी प्रेजेंट है, तो यस, आंसर क्या है इसका, यस, कॉकरोच के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। मैंने इसीलिए कॉकरोच का जो बॉडी कैविटी है उसमें फ्लूइड भरी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोलिंग। तो ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूसिलोमेट, यूसिलोमेट यानी कैविटी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट, क्या है ये, बॉडी कैविटी प्रेजेंट। किसी किसी में बॉडी कैविटी नहीं रहती, जैसे कुछ एनिमल्स हैं हाइड्रा वगैरह है, इसमें बॉडी कैविटी नहीं है, या प्लेटी एलिमेंटस, हाइड्रा छोड़ दो, प्लेटी एलिमेंटस, प्लेटी एलिमेंटस है ना, जो फ्लैट वर्म, चपटे वाले वर्म्स होते हैं ना, चपटे वर्म्स, उसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं मिलती, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं असिलोमेट्स, जिसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है, असिलोमेट्स। बॉडी सेगमेंटेशन यानी बॉडी का सेगमेंट है, पार्ट है, तो आप कॉकरोच को देखोगे ना तो कॉकरोच में तो भाई बहुत सेगमेंट है, बहुत सेगमेंट है उसके अंदर, यानी उसका थोरेक्स से लेके, थोरेक्स वाला पार्ट से लेके उसके एब्डोमेन में, सब में सेगमेंट मिलता है, अलग 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 सेगमेंट मिलता है, इसीलिए कॉकरोच को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी बॉडी प्रेजेंट है, यानी सेगमेंट इज प्रेजेंट। तो बॉडी कैसी होगी, सेगमेंटेशन में होगी, यस, बॉडी सेगमेंटेशन प्रेजेंट, बॉडी सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट बोला कि जर्म लेयर, जर्म लेयर यानी क्या, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये सारे जो जर्म लेयर हैं, सारे डर्म लेयर है, जर्म लेयर, सॉरी डर्म लेयर बोलते हैं इसको, जर्म लेयर नहीं, डर्म लेयर बोलो, तो ये सारे डर्म लेयर क्या है, प्रेजेंट है। तो सारे डर्म लेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, तीनों लेयर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स वॉट, एक्टो, मीजो, एंडो, ऑल डर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, ओके। एंड देन बॉडी स्केलेटन, अब इसका जो बॉडी का स्केलेटन है इसको हम लोग बोलते हैं ये बाहर से प्रेजेंट रहता है, मतलब क्या हुआ, इसका जो स्केलेटन है बाहर से प्रेजेंट रहता है। अब बाहर से प्रेजेंट है बच्चे लोग, क्या हुआ, जैसे आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, मेरे बॉडी में यानी ह्यूमंस की बॉडी में देखो, नेल है, हेयर है,
ये स्केलेटन का हिस्सा है, नेल हेयर ये स्केलेटन का हिस्सा है। तो हमारे बॉडी में बाहर से एक्सोस्केलेटन कुछ प्रेजेंट है, कुछ प्रेजेंट है, पूरी तरह से नहीं है। स्केलेटन का मतलब क्या होता है, जो बॉडी को प्रोटेक्शन दे, बॉडी को सपोर्ट करे, बॉडी को प्रोटेक्शन दे, बॉडी को सपोर्ट करता है। तो ये भाई ये बॉडी को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा, तो भाई नेल वगैरह का तो थोड़ा बहुत है, बट हमारा बॉडी को मेन सपोर्ट प्रोटेक्शन कौन देता है, बोन्स देते हैं, कौन देता है, बोन्स। तो बोन हमारा बॉडी का स्केलेटन है, इसका मतलब बोन अंदर प्रेजेंट है मेरी बॉडी में, इसका मतलब मेरे बॉडी में एंडोस्केलेटन ज्यादा है। यानी ह्यूमंस में मेन क्या होगा, एंडोस्केलेटन, यानी जितने भी वर्टेब्रेट्स होते हैं उसमें एंडोस्केलेटन मेन होता है। बाहर बहुत सारे एनिमल्स में क्या क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप फिश देख रहे हो, मच्छी, फिश, मछली जो रहती है, फिश रहती है, आप देखोगे अंदर भी उसके कांटे रहते हैं, यानी अंदर भी फिश बोन है और बाहर से स्केल्स रहते हैं, स्केल्स रहते हैं ना बहुत सारे फिश में। तो वो स्केल क्या करता है, बाहर से ही प्रोटेक्शन दे रहा है और अंदर से बोन प्रोटेक्शन दे रहा है। इसका मतलब उसके पास एंडो और एक्सो दोनों स्केलेटन है। लेकिन कॉकरोच, कॉकरोच में हड्डियां तो नहीं होती, हड्डियां नहीं होती है ना, तो इसके लिए कॉकरोच में बाहर से ही सपोर्ट होता है, उस सपोर्ट बाहर से है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, वहां पे कॉकरोच में प्रेजेंट होता है। आई होप आपको ये सब समझा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कॉकरोच में ऑर्गन सिस्टम है, बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, बायोलेटरल सिमेट्रिकल है, बॉडी कैविटी कैसी है, यूसिलोमेट्स है, देन यानी उसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, डॉर्सल वेंट्रल साइड, यस अब मैं बताऊंगा आप बच्चे लोग टेंशन मत लो, बॉडी सेगमेंटेशन क्या है, प्रेजेंट है, जर्म डर्म लेयर उसका क्या है, कितने लेयर्स उसके अंदर बॉडी में, टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितने होंगे इसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी तीन लेयर प्रेजेंट है, एंड बॉडी स्केलेटन क्या है, एक्सोस्केलेटन यानी बाहर से उसको सपोर्ट है। क्लियर, तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, यस। तो आप लोग का आंसर, अभी एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर वेंट्रल और डॉर्सल साइड क्या, तो चलो इसमें हम लोग एक्सोस्केलेटन पढ़ाते, एक्सोस्केलेटन में आपको दोनों चीज आ जाएगा, एक्सोस्केलेटन में दोनों चीज आ जाएगा। पहला क्या आएगा कि भाई वेंट्रल साइड क्या और डॉर्सल साइड क्या। याद रखना बच्चे लोग एक चीज याद रखो, हमेशा याद रखना कि जो ये जो है कॉकरोच वगैरह, ये इनवर्टेब्रेट्स में आते हैं, यानी इनके पास वर्टेब्रल कॉलम नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो ये इनवर्टेब्रेट्स आते हैं और हम लोग वर्टेब्रेट्स हैं। तो अपने आप को याद रखो, इनका याद हो जाएगा, अपना याद रखो, अपना क्या है, हमारा वर्टेब्रल कॉलम पीछे है, पीछे मतलब डॉर्सल साइड है, ये पीछे की साइड को हम लोग बोलते हैं डॉर्सल साइड, और हमारा आगे की जो साइड है जहां पे बेली है, आपका पेट है वहां पे, है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर जहां पे आगे सिचुएशन है, तो ये हम लोग वेंट्रल साइड है, ये साइड वेंट्रल, ये पीछे का डॉर्सल, और बाहर साइड साइड की साइड को हम लोग बोलते हैं लैटरल साइड, साइड को हम लोग बोलते हैं लैटरल साइड। लेकिन कॉकरोच में, कॉकरोच में आपको जैसे हम लोग एक्सोस्केलेटन पढ़ रहे हैं अभी, कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन, तो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कॉकरोच में याद रखो जितने भी इनवर्टेब्रेट्स हैं, जितने भी इनवर्टेब्रेट्स हैं, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे कोई भी जैसे मॉस्किटो हो गया, है ना, कुछ भी, उनका जो डॉर्सल साइड रहेगा, डॉर्सल साइड पीछे के साइड में हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, लेकिन और हमारा हार्ट आगे है वेंट्रल साइड, इनका उल्टा होता है, हार्ट इनका पीछे होगा और जो उनका जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वो आगे होता है, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होगा, आगे यानी वेंट्रल साइड में, और हार्ट कहाँ पे होगा, पीछे होगा, उल्टा होता है। चलो अब हम लोग कॉकरोच पे आते हैं, तो कॉकरोच पे अगर हम लोग देखेंगे कि उसको पीछे से, यानी पीछे से एक सपोर्ट है, आगे से सपोर्ट है, ठीक है। अब इस चीज को पहले देखो, आप लोग समझो इस चीज को, क्या मैंने बनाया, ये कॉकरोच का वेंट्रल साइड है,
ये है डॉर्सल साइड यानी पीछे का हिस्सा, ठीक है ना। ये कॉकरोच को मैंने ऐसे पकड़ा है, यानी आपने ऐसे पकड़ा हुआ सिर, ये समझ लो ऐसे ऐसे रखा हुआ है। तो ये उसका आगे का साइड है, ये पीछे का साइड है, ठीक है। और ये जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल साइड, ये दोनों लैटरल साइड है। अब इमेजिन कर पा रहे हो ना कि ये कॉकरोच का आगे का साइड, ये पीछे का, और ये लैटरल साइड है दोनों का, ओके। तो जो कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कॉकरोच को जो बाहर से कवरिंग दी गई है, कवरिंग यानी जैसे आपने रामायण महाभारत में देखा रहेगा कवच दिया जाता, कवच प्रोटेक्शन के लिए, है ना। लड़ाई लड़ने जाते थे जब कवच देते थे, वो कवच को याद रखो कि आगे कुछ प्रोटेक्शन दिया है, पीछे से कुछ दिया है, साइड से दिया है। वो कवच उसका मतलब एक तरह से प्लेट्स है, क्या है प्लेट्स है। वो प्लेट्स कौन सा है, इसका जो प्लेट्स इसके एक्सोस्केलेटन क्या है, ये चिटिनस प्लेट है, चिटिनस प्लेट्स है। अब इसी चिटिनस प्लेट्स को हम लोग बोलते हैं इसमें स्क्लेराइट्स, क्या बोलते हैं स्क्लेराइट्स, ठीक है। तो टोटल कितने सिक्स कितने प्लेट्स होते हैं, टोटल सिक्स प्लेट्स होते हैं, यानी सिक्स स्क्लेराइट्स होते हैं, सिक्स स्क्लेराइट्स होते हैं। चिटिन किससे बनता है, चिटिन जो है ये, चिटिन जो है ये क्या है, ये है पॉलीसेकेराइड। अभी आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है, आपको याद है पॉलीसेकेराइड यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना हुआ है ये, तो ये पॉलीसेकेराइड है। और ये कैसा होता है, ये वैक्सी होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, वैक्सी हार्ड और टफ। वैक्सी भी है यानी इसमें लिपिड्स के भी मॉलिक्यूल्स हैं, वैक्सी है मतलब लिपिड्स के भी मॉलिक्यूल है। देखो वैक्स अगर लगाएंगे यहाँ पे, अगर मैंने वैक्स लगाया और वाटर डालूंगा यहाँ पे, तो वाटर एब्जॉर्ब होगा क्या, नहीं होगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, वाटर प्रूफ कवरिंग हो गई। चिटिनस कवरिंग कैसी होगी, वाटर प्रूफ कवरिंग हो गई। इसीलिए कॉकरोच कहाँ पे रहता है, कॉकरोच रहता है डैम्प प्लेसेस, वाटर आपका जो बेसिन है, पानी का जो बेसिन वगैरह जो है, वहां पे कॉकरोच छुप के रहते हैं। तो उनको वार्म और डैम्प प्लेसेस सही रहता है, क्रेवाइसेस सही रहता है, यानी घर में अगर दीवार में कोई क्रैक है तो क्रैक में घुस के रहेंगे। अब ये जो मेरा बोर्ड है, बोर्ड के पीछे जगह है, ठीक है ना, ये स्पेस है, ये क्रेवाइसेस है, यहाँ पे छुप के रहेंगे, हाइड करके रहेंगे दिन में, और रात में फिर बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये हार्ड वैक्सी टफ कवरिंग है। अब ये जो सिक्स स्क्लेराइट्स है, ये टोटल सिक्स स्क्लेराइट्स होते हैं, सॉरी यहाँ पे फोर स्क्लेराइट्स होंगे, हेड में सिक्स हो जाएंगे, यहाँ पे फोर होंगे सॉरी। तो ये जो फोर स्क्लेराइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है कौन है, तो जो फोर स्क्लेराइट्स है वेंट्रल डॉर्सल लैटरल साइड में, यानी आगे साइड में हर एक सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट में यहाँ पे वेंट्रल साइड में कौन सी स्क्लेराइट्स उसको मिलेगी, यहाँ पे जो होता है ये होता है स्टर्नम, स्टर्नम। डॉर्सल साइड में होगा टेरिज्म या टर्गाइट भी बोलते हैं इसको, लैटरल साइड में प्लूरॉन्स, प्लूरॉन, ठीक है। और ये सारे के सारे जो स्क्लेराइट होंगे, स्क्लेराइट्स क्या है, ये प्लेट है, क्या है प्लेट है, ऐसे ऐसे प्लेट से बना हुआ, उसको कवर दिया गया, यानी उसका इसका एब्डोमेन है, या थोरेक्स से एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, जो कवर करके रखता हर एक सेगमेंट को, उसको हर एक प्लेट को। तो हर एक इसमें, हर एक सेगमेंट में उसका, जैसे ये सेगमेंट है उसका, ये सेगमेंट है, ठीक है। तो ये सेगमेंट में आगे वाले में क्या रहेगा, स्टर्नाइट या स्टर्नम, पीछे जो रहेगा उसका, पीछे से जो आगे ये है, तो पीछे से टर्जम रहेगा, साइड साइड से फ्लूरॉन। अब ये सारे स्क्लेराइट्स को भी क्या करना है, जैसे आपको मालूम है बोन्स रहते हैं, बोन्स जैसे आपको पता है कि ये बोन है, बराबर ना। अब ये दो बोन है तो उसमें भी लिगामेंट चाहिए ना, उसको अटैच करके अभी में पकड़ के, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी तो लिगामेंट चाहिए, यहाँ पे कुछ तो मेम्ब्रेन चाहिए। तो ये मेम्ब्रेन कौन सी, जैसे रेड से मैंने बनाया, देखो ये क्या है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है, क्या है ये, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है, इसका काम है अटैच करना जितनी भी स्टर्नम को प्लूरॉन से, प्लूरॉन को टेरजम से, टेरजम को प्लूरॉन से, ये प्लूरॉन को स्टर्नम से, सबको होल्ड करके रखता है, सबको अटैच करके रखता है।
तो ये ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन है, क्लियर है, ये कॉकरोच में मिलता है। तो हर एक सेगमेंट में स्क्लेराइड्स मिलेंगे आपको, यानी कॉकरोच का हर एक सेगमेंट में एक वैक्सी कवरिंग होगी, प्रोटेक्शन वाला हार्ड सिटिनस कवरिंग है जो क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। और क्या करता है, तो ये जो स्क्लेराइड्स हैं, ये जो बॉडी की उसकी कवरिंग है उसको क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, अगर हम लोग बोलेंगे इसका वही फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो इसका जो फंक्शन मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन तो है प्रोटेक्शन, क्या है, प्रोटेक्शन। और दूसरा क्या फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन है, और क्या फंक्शन है, और फंक्शन है इट गिव्स द सरफेस एरिया फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। तो इसके ये सरफेस देगा, यानी यहां पे अंदर उसकी बॉडी में कोई भी मसल जो उसकी हार्ट की मसल वगैरह रहती है वो अटैच रहती है चारों बाजू से, है ना, या साइड से अटैच रहती है, तो उसकी बॉडी में मसल को अटैचमेंट देने के लिए ये स्क्लेराइड्स प्रेजेंट है। यानी हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है, देखो बोन्स है, बोन्स से हमारी मसल लगी हुई है, इसके पास बोन तो है नहीं, तो इसके पास यही हार्ड कवरिंग, इसी कवरिंग को अंदर से मसल क्या करती है, अटैच करके रखती है, यानी वहां पे सरफेस मिल जाता है मसल पार्ट। तो ये होते हैं एक्सोस्केलेटन, ये क्या है, एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच। सबको समझ में आ रहा है? यस बच्चे लोग, जाग रहे हो, सो रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट। देन अब हम लोग आते हैं कॉकरोच के इस पे, कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स, एक छोटा सा कॉकरोच बनाता हूँ, बाद में इसको और हम लोग डिटेल में करेंगे। ये कॉकरोच का हेड है, ये कॉकरोच का प्रोनेटम, यहां से ओके, मैं एकदम डिटेल में नहीं बना रहा फिलहाल, जितना जरूरत है अभी फिलहाल अपने को। ये उसकी विंग्स है और विंग्स यहां से भी निकलेगी, ओके। देन कॉकरोच की ये है आइस, यहां से उसका एंटीना निकलता है, इसमें सेगमेंट थे 1 2 3, 1 2 3, यहां पे 1। सेगमेंट्स याद रखना बच्चे लोग, सेगमेंट बहुत जरूरी है कॉकरोच अगर पढ़ रहे हैं हम लोग तो, क्योंकि ये सेगमेंट के ऊपर नीट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से सेगमेंट में क्या मिलेगा, ठीक है, कितने सेगमेंट्स होंगे। तो ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो मैंने बनाया, ये जो पार्ट है ये वाला, दिस इज थोरेक्स, और ये वाला पार्ट है एब्डोमेन, ठीक है, और इसमें फोरेक्स में देखेंगे 3 सेगमेंट्स, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते हैं, और यहां से एक चीज निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनल सरसा, और उसका लेग निकलेगा यहां से,
फाइन ब्रिस्टल्स होते हैं, ओके, सो दीज आर, ये जो है कॉकरोच, यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे। सो यहाँ पे मेन चीज मैं खाली बता रहा हूं, मेन चीज बताऊंगा। पहला चीज होता है इसका हेड, नेक्स्ट है इसका जो बॉडी का थोरेक्स, और ये जो हिस्सा है ये है एब्डोमेन। तो कॉकरोच में तीन हिस्सा मेन है, तीन पार्ट होते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो जो हेड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉकरोच का सपोज ये हेड है, पियर शेप है, ये कॉकरोच का जो हेड होता है ये उसके एब्डोमेन से, ये उसके एब्डोमेन से ठीक है ये कनेक्टेड रहता है, तो दिखता नहीं एक्चुअली ये, जैसे हमारा हेड और थोरेक्स है, हेड और थोरेक्स, थोरेक्स यानी चेस्ट वाला रीजन, हेड और थोरेक्स, अभी हेड और थोरेक्स होगा, हेड और थोरेक्स ये जो होगा ये कॉकरोच का एक पार्ट होता है जिससे कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकम या सर्विक्स, सर्वाइकम या तो सर्विक्स, ठीक है, सर्वाइकम बोलते हैं या तो सर्विक्स बोलते हैं, इससे कनेक्टेड रहता है। तो हेड कैसा है, इसका हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसके बॉडी पार्ट्स में क्या आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, थोरेक्स आएगा एंड एब्डोमेन आएगा, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ये तीन चीजें मेन होती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि हेड में क्या होगा, थोरेक्स में क्या होगा और एब्डोमेन में क्या होगा, क्लियर। तो अगर हम लोग इसके हेड को देखते हैं, ये समझा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक खाली शॉर्ट बताना था मुझे कि हेड और थोरेक्स किससे कनेक्टेड होंगे, एक पतला सा एक मूवेबल हिस्सा होगा, इसके वजह से कॉकरोच पूरा देख सकता चारों बाजू तक, पूरा देखता है हम चारों बाजू, ठीक है। ये नेक है, मूवेबल, हाईली मूवेबल नेक है इसकी, ठीक है, मेम्ब्रेनस होगी, पतली सी होगी, सर्विक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, राइट। अब इस कॉकरोच में हम लोग पहले पढ़ेंगे हेड, उसके बाद थोरेक्स एंड देन एब्डोमेन, क्लियर। सो पहला हम लोग पार्ट लेते हैं, बच्चे लोग हेड लेते हैं, हेड, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हेड, तो अभी हेड है, ठीक है, हेड, तो हेड में आपको क्या क्या मिलेगा, तो हेड में बच्चे लोग, इसका जो हेड होता है ना बहुत कॉम्प्लेक्स हेड है, इसका जो हेड बहुत ही कॉम्प्लेक्स हेड है, ठीक है, और इस हेड में आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ओके, में ब्रिस्टल्स होंगे, यहां पे एक स्पॉट होगा,
जहां से एंटीना निकलेगा, ये फिलामेंटस होता है, फिलामेंट जैसा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म फिलामेंट, फिलीफॉर्म एंटीना। ओके, और यहां पे एक स्पॉट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलस। तो ये कॉकरोच का हेड, ठीक है। तो काफी आप लोगों को देख के लग रहा है, तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये कॉकरोच का माउथ, ये पीछे वाला हिस्सा, जैसे ये पीछे से, ठीक है। तो यहां पे ये उसकी आंखें, ये उसकी आंखें, राइट। तो ये हो गया कॉकरोच का लिप्स, यहां पे भी एक लिप्स आएगा, राइट। आपके पास दो होठ है ना, एक अपर एंड लोअर लिप्स, तो इसका भी एक अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स है ना। होठो से छू लो तुम हर चीज जहर कर दो, ये कॉकरोच होता है ना। होठो से छू लो तुम हर चीज जहर कर दो, बन जाओ अगर किसी का मीट, जीवन ही दूषित कर दो। तो ये कॉकरोच का है कि भाई कॉकरोच किसी का फ्रेंड बन गया, यानी किसी घर में कॉकरोच हो गए तो उनका जीना दुभर हो जाता है, यानी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम कर देते और खाने को हर चीज को क्या करते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ओके, तो ये है अपर लिप्स, ये है उसका लोअर लिप्स, और बाजू में फिर उसके बाद में यहाँ से ऐसा एक मैंडिबल होगा। मैं इस चीज को आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, एक मैंडिबल होगा और वहां से उसके साइड से एक क्या होगा, मैक्सिला होगा, जो उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। मतलब अब सिंपल से एक इमेजिन करो कि इसको हम लोग हटा रहा हूं मैं, जो मेन डायग्राम इसके आते हैं, कि ये जो कॉकरोच का है इसको हम लोग बोलते हैं माउथ पार्ट से उसका, इसको हम लोग बोलते हैं लेब्रम, या तो हम लोग बोलते हैं अपर लिप्स। ये जो है कॉकरोच का लोअर लिप्स है, ठीक है, लोअर लिप्स। ये है मैक्सिला और ये है मैंडिबल। अब चलो पहले बात अपने ऊपर आ जाओ पहले हम लोग, क्योंकि हमारे और उस कॉकरोच में बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं। पहला क्या देखो, जैसे अपना है, ये अपना माउथ पार्ट, ये माउथ पार्ट है, ये और ये, इसके बीच में जो दांत है और ये जो इसके कैविटी को हम लोग बोलते हैं, ये जो स्पेस है ना, जो दांतों के और होठों के बीच में, लिप्स और टीथ के बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं प्री ओरल कैविटी। यानी आ करोगे ओरल है, ओरल कैविटी है, प्री मतलब उसके पहले, ओरल कैविटी के पहले क्या आता है, लिप्स आता है, टीथ आता है आपका, उसके बाद में आपका ओरल कैविटी आता है, ठीक है। तो ये लिप्स है, ये लिप्स है, तो उसी तरह से इसके कॉकरोच में, कॉकरोच में क्या हो गया, लिप्स कितनी होगी, देखो दो हो गई, अपर लिप्स लोअर लिप्स। उसके बाद हमारा ऊपर का जो जबड़ा है, जो जॉ है जिसमें दांत लगा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिला, और नीचे का ये वाला, ये जिसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल, ऊपर का मैक्सिला नीचे का मैंडिबल। अब कॉकरोच क्या होता है, लिप्स तो बराबर है, ऊपर नीचे का लिप्स बराबर है, लेकिन उसका जो जबड़ा होता है, यानी जो मेन जॉ जिससे काटता है, जैसे हम लोग इसे काट रहे बराबर ना, तो वो काटता किससे, उसके बाद टीथ किस में रहेगा, उसके पास टीथ रहेगा मैंडिबल में, किस में रहेगा, मैंडिबल में। तो मैंडिबल में टीथ रहता है, मैंडिबल में, ये उस, हम लोग ऐसे काटते हैं ना, ऐसे काट रहे हैं हम लोग, ऐसे काट रहे बराबर, ये कैसे काटता, ऐसे काटता है। तो ये अपर लिप्स लोअर लिप्स, और उसका मैंडिबल ऐसे रहेगा, यानी ऐसे खचर 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 काटेगा, क्लियर है ना, कुछ भी खाना आया तो उसको काट देगा, कट करेगा और फिर अंदर लेगा, राइट है। तो ये हो गया मैंडिबल। उसके पीछे अब मैक्सिला, मैक्सिला को हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग, ये एसेसरी जॉ है, क्या है ये, एसेसरी जॉ, एसेसरी मतलब ये है एसेसरी जॉ, और ये जो है मैंडिबल को हम लोग बोलते हैं ट्रू जॉ। तो एसेसरी जॉ क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करता है, ये काटने का काम नहीं करेगा, ये सपोर्ट करेगा, लेकिन मैंडिबल कट करने का काम करता है। तो
तो मैक्सिला जो होता है असेसरी जॉ है, असेसरी, तो मैक्सिला मैंडिबल के इधर लगा रहेगा, ये मैंडिबल है इधर पीछे, उसी के जस्ट पीछे मैक्सिला लगा रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको मैंडिबल कितना, ये पेयर्ड ऑर्गन है, ये इसमें मैंडिबल दो मिलेगा, मैक्सिला दो है, पेयर्ड है, लोअर लिप सिंगल होती है एंड लैबरम सिंगल लिप। लोअर लिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबियम। लोअर लिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबियम। ये क्या है, लेबियम है, क्या है, लेबियम। अपर लिप्स को लैबरम, लोअर लिप्स को लेबियम, मैंडिबल और मैक्सिला, ठीक है ना। अब मैक्सिला का काम क्या है, असेसरी जॉ बोलते हैं इसको, या तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिला, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट मैक्सिला, इसका दूसरा नाम फर्स्ट मैक्सिला है। तो भाई फर्स्ट ये है तो सेकंड कौन है, सेकंड लेबियम है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड मैक्सिला, सेकंड मैक्सिला है, ठीक है ना। अब एक एक का काम पे आते हैं, लोकेशन तो पता चल गया, लैबरम कहां पे रहेगा, एंटीरियरली, लैबरम कहां पे रहेगा, एंटीरियर होगा, आगे का हिस्सा होगा, है ना। ये लिप्स अगर अपनो कॉकरोच को हमने ऐसे किया, कॉकरोच ऐसे रहता है ना, तो ये लोअर लिप्स कहां पे रहेगा, आगे, और अपर लिप्स आगे रहेगा, लोअर लिप्स कहां रहेगा, पीछे रहेगा। तो अपर लिप्स कहां पे रहेगा, एंटीरियर, लोअर लिप्स कहां पे रहेगा, ये पोस्टीरियरली रहेगा, लोअर लिप्स कहां पे रहेगा, पोस्टीरियर, ठीक है। दोनों का काम क्या होगा, दोनों का काम एक ही चीज होगा, दोनों का काम होगा खाने को होल्ड करना, खाने को होल्ड करना, मतलब जैसे कि खाना गिरना नहीं चाहिए। हमारे हमारे लिप्स का काम क्या है, हमारा लिप्स का काम क्या है, खाना कट कर रहे हैं दांत से, लेकिन लिप्स क्या करती है, लिप्स बोलने के टाइम पे काम करती है, कॉकरोच तो बोलता नहीं है, लेकिन और लिप्स क्या काम करती है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने को होल्ड करके भी रखती है, ताकि खाना क्या होगा, स्पिल आउट नहीं होगा, गिरेगा नहीं फीडिंग के टाइम पे। तो खाना होल्ड करके रखना, होल्ड द फूड, इसका काम क्या है, होल्ड द फूड ड्यूरिंग फीडिंग, होल्ड द फूड ड्यूरिंग फीडिंग, इसका भी सेम काम होगा, होल्ड द फूड ड्यूरिंग फीडिंग, फीडिंग के टाइम पे खाने को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। अब जो मैंडिबल का, मैंडिबल आपको पता है कि मैंने क्या बताया, मैंडिबल क्या होता है, काटने का काम, तो ये बाइटिंग, कटिंग एंड क्रशिंग, इसका काम करता है, क्रश करने को, खाने को चबाने का काम मैंडिबल करता है। मैक्सिला क्या करता है, मैक्सिला में फर्स्ट मैक्सिला है, अब मैक्सिला क्या करता है, मैक्सिला का मैं एक और डायग्राम आपको बनाऊंगा प्रॉपर करके, उसमें और पार्ट दिखाने हैं मुझे उसको, पहले इतना आपका बेसिक्स पढ़ो कि मैक्सिला क्या करता है। मैक्सिला का काम ये असिस्ट करना, असिस्ट करना, क्योंकि इसका काम एसेसरी है ना, तो असिस्ट दी मैंडिबल ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, जब खाना चबाया जाता है तो उसको हेल्प करता है। और क्या करता है मैक्सिला, मैक्सिला और क्या करता है, मैक्सिला के ऊपर ये मैक्सिलरी पाल्प है, जिसका काम क्या है, सेंसरी, टेक्टाइल ऑर्गन है, इसके पास क्या है, मैक्सिलरी पाल्प है, ये क्या है, ये टेक्टाइल ऑर्गन है। टेक्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, टच, टच करना, टेक्टाइल ऑर्गन है, टेक्टाइल मतलब ये टच करके ये चीजों को देख समझता है ये, तो ये वहां पे इसके वजह से। और क्या करता है मैक्सिलरी पाल्प का, और एक काम है कि ये क्या करता है, क्लीनिंग करता है, क्लीनिंग ऑफ एंटीना एंड लेग्स, लेग्स का जो है ना ये आगे ऐसे आगे ये रहता है, तो आगे के पांव जो होता है उसको साफ करता है ऐसे ऐसे करके, और जो एंटीना है उसको भी उसी से साफ कर देता है, किससे, ये पाल्प जो लिंक है, पाल्प यानी एक जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है उसके थ्रू, ये मैक्सिला का काम है। अब आ जाते हैं हम लोग ये आईज, इसकी जो आईज होती है इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड आई। क्यों कंपाउंड आई, क्योंकि कंपाउंड क्या है, क्योंकि इसके पास ऐसे ऐसे हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्या होते हैं, हेक्सागोनल ओमेकीडिया होती है, यानी कि ये इसके पास ना ऐसे ऐसे इसकी आंखें ऐसी रहती है, बराबर। तो ये हेक्सागोनल ओमेकीडिया से बनते हैं। ये ओमेकीडिया टोटल कितनी होती है, टोटल होती है 2000।
यानी एक आईज में 2000 ओमिक्रिडिया होती है, इसीलिए इसकी आंखों को सिंपल आई नहीं बोलते, कंपाउंड आई बोलते हैं। यानी हर एक ओमिक्रिडिया में एक इमेज बनेगा। जैसे अगर कॉकरोच मुझे देखेगा ना, तो मेरा कुछ हिस्सा इसमें, कुछ हिस्सा इसमें, कुछ हिस्सा इसमें, ऐसे मेरे इमेज बनेंगे। इसीलिए कंपाउंड आईज की वजह से, ओमिक्रिडिया की वजह से इसका जो इमेज बनता है, इसका जो इमेज है उसको हम लोग बोलते हैं मोजेक इमेज बनता है। मोजेक इमेज इन ए सेंस ब्लर्ड इमेज, यानी ब्लर, यानी इसमें सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी। मोजेक इमेज में सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी, सेंसिटिविटी मोर होगी, बट रिजोल्यूशन बहुत ही रिजोल्यूशन लेस होगा। जैसे आप जूम पे पढ़ते हो तो बोलते सर आपका स्क्रीन ब्लर हो गया, दिख नहीं रहा है। ये चीज मालूम पड़ती कि सर पढ़ा रहे, लिख रहे कुछ तो, लेकिन क्या लिख रहे नहीं मालूम पड़ता। उसी तरह से कॉकरोच में भी है कोई, ये तो दिखेगा, लेकिन कौन है ये नहीं पता चलता। तो मोजेक उसका मोजेक इमेज है, मतलब ब्लर्ड इमेज दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसके पास बहुत सारे हेक्सागोनल ओमिक्रिडिया होते हैं, छोटे छोटे एक एक आईज है इसकी, एक एक आईज के पार्ट है, और हर एक पार्ट में एक एक इमेज बनेगा, जिसकी वजह से कॉकरोच क्या होता है, देखता है लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं देख पाता। ठीक है, ये नीट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉकरोच की कंपाउंड आईज में क्या रहता है, क्या रहता है, ओमिक्रिडिया रहती है। ठीक है, और देखेंगे बच्चे लोग, तो यहाँ पे एक और स्पॉट दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलर स्पॉट, ऑसिलर स्पॉट या व्हाइट स्पॉट। इसका बहुत ज्यादा काम तो नहीं दिया है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं बताऊं तो आपको ऑसिलर स्पॉट का काम क्या होता है, ये फोटो रिसेप्टर का काम करता है। फोटो रिसेप्टर यानी ये फोटो सेंसिटिव होते सेल, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल आईज। ये कॉकरोच की सिंपल आईज है, लेकिन यहाँ से देख नहीं सकता कॉकरोच, यहाँ से देख नहीं सकता। फोटो रिसेप्टर का काम करता है, यानी फोटो यानी लाइट जहाँ पे रहती है उसको समझता है कि कहाँ पे लाइट है, ठीक है, वहां से समझता है। तो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आ गया आपका ये मेन भाई एंटीना। तो कॉकरोच का जो एंटीना होता है इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एंटीना। क्या होता है? फिलीफॉर्म। नाउ फिलीफॉर्म का मतलब क्या होता है? थ्रेड लाइक। कैसा होता है? थ्रेड लाइक, थ्रेड जैसा होता है। ये भी देखो सेगमेंटेड टाइप रहेंगे, ठीक है, फिलीफॉर्म थ्रेड लाइक, एंड ये मेम्ब्रेनस एकदम पतला रहेगा, था ये रहेगा। अब इसका काम क्या है भाई? कॉकरोच का भाई मेन सेंसरी ऑर्गन, अगर हम लोग सेंसरी ऑर्गन की बात करेंगे तो हेड में एक तो आईज हो गई, ये दूसरा सेंसरी ऑर्गन। इस एंटीना में कॉकरोच के पास दो चीजें होती हैं, यानी एक तो होते हैं टेक्टाइल रिसेप्टर्स और एक होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ये कॉकरोच का जो एंटीना होता है इससे वो टच करता है सब चीजों को, फील कर सकता है, और ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल करता है, तो इसी से उसको पता चलता भी खाना है कहाँ पे, खाना किधर है, वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है बच्चे को समझा? तो एंटीना इसके इसका कॉकरोच का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो क्या करता है, टच और स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं उसके पास, जिसके थ्रू वो स्मेल करता है कि भाई आजू बाजू खाना कहाँ पे है, फिर खाने के लिए वो निकल चलता है। आंखें कैसी होती है? कंपाउंड आईज है। कंपाउंड आईज में यानी ओमिक्रिडिया होती है, हेक्सागोनल उसमें ओमिक्रिडिया है, जिसमें अलग अलग एक एक ओमिक्रिडिया में अलग अलग इमेज बनता है। इसके वजह से इसका जो इमेज है मोजेक इमेज है, यानी ये प्रॉपर नहीं दिखता, ब्लर्ड दिखता है। व्हाइट स्पॉट होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। व्हाइट स्पॉट क्या है? फोटो रिसेप्टर्स है, राइट है। ये फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इसका खाली सेंसिटिविटी लाइट, सेंसिटिव टू लाइट है। नेक्स्ट आप आते हैं माउथ पार्ट में। माउथ पार्ट में इसके पास अपर लेब्रम है, आगे का हिस्सा लेब्रम जो फूड को होल्ड करता है, अपर लिप्स बोलते हैं। नीचे जो होता है लेबियम है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिप्स, ठीक है, पोस्टरली अरेंज होता है, या वेंट्रल बोल सकते हो उसको। नेक्स्ट आता है आपका मैंडिबल। मैंडिबल का काम क्या है? बाइटिंग, कटिंग, क्रशिंग, फूड को खाने का। तो बहुत सारे लोग को मालूम था ना कि कॉकरोच से डर क्यों लगता है, कॉकरोच काटता भी है ना, कॉकरोच क्या करता है, काटता भी है। तो कॉकरोच के पास दांत होते हैं, वही तो आप तो और डरने लायक है ना, क्लियर है, ओके। बट यू आर द साइंस स्टूडेंट्स, कुछ दिन के बाद में आप डॉक्टर बन जाओगे, तो डॉक्टर बनने के बाद तो कॉकरोच का डिसेक्शन नहीं होगा, सीधे इंसानों का डिसेक्शन होगा, तो आप डरना छोड़ दो सब लोग, राइट। तो आप कॉलेज में, अभी कॉलेज आपका चालू होगा,
तो आपको कॉकरोच का डिसेक्शन करने के लिए, कट करने के लिए मिलेगा, कॉकरोच हाथ में मिलेगा और उसके ऊपर मार्क्स रहेंगे, ठीक है ना। तो डर के आगे जीत है, कॉकरोच पढ़ो और कॉकरोच अभी कट करके देखो कि क्या क्या उसके बॉडी पार्ट से, राइट है। तो ये लॉकडाउन में ये भी काम कर सकते हो आराम से लोग, ये स्टडी करने के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिला। मैक्सिला को हम लोग बोलते हैं एक्सेसरीज ऑफ, ये फर्स्ट मैक्सिला है, ठीक है। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मैंडिबल को असिस्ट करता है मेस्टिकेशन के लिए, यानी मेस्टिकेशन मतलब खाने को चबाना, जो चबाते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेस्टिकेशन। तो असिस्ट द मैंडिबल क्या करता है, मेस्टिकेशन के लिए। इसके पास ऐसे मैक्सिलरी पाल्प होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉकरोच के जो मैक्सिला, लेब्रम, लेबियम, अलग अलग डायग्राम बता के उसका मैं डायग्राम आपको बता दूंगा, क्लियर है। तो उसमें मैक्सिलरी पाल्प करके ये होता है, एक प्रोजेक्शन निकलता है ऐसे, जैसे आप लेग्स कैसे निकला, एंटीला कैसे निकला, वैसे वो हिस्सा निकला रहता है। और वो हिस्सा क्या करता है, कॉकरोच के लेग को क्लीनिंग करने के लिए, और सेंसरी होता है वो भी टच करके उसको भी फील होता है कि उसके थ्रू आगे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों लोग माउथ पार्ट्स ऑफ दी कॉकरोच, क्लियर। तो ये हेड का हमने आज पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ जो हिस्सा है माउथ पार्ट के अलग डायग्राम का वो हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग फिर उसका थोरेक्स और एब्डोमिन और आगे के बॉडी पार्ट्स को लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये चीजें, राइट।